नमस्कार, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं दिव्य बीसमुखी रुद्राक्ष की। दिव्य बीसमुखी रुद्राक्ष ब्रह्मांड में स्थित सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस धरती पर संपूर्ण प्रकृति देवों की कृपा से संचालित होती है और मनुष्य प्रकृति का एकमात्र हिस्सा भर है। वे लोग जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं उन पर देवों की कृपा बनी रहती है। आप यदि सफल जीवन जीने में असफल हो रहे हैं, अनेकों प्रयत्न के बाद भी, कुछ तो कारण होगा। इसका मतलब एक साफ है कि देवी देवताओं की कृपा आप पर कभी भी नहीं बरसी और न तो बरस रही है। आप अपने साथ होने वाली समस्याओं के कारण को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ लुटता चला जा रहा है, सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। अज्ञात परिस्थितियों ने आपको बर्बाद होने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में जब आप बिल्कुल चेतना शून्य हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, परिस्थितियों ने आपको जब मजबूर कर दिया हो कि आप कुछ भी न समझ पाएं, ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझनी है कि आपको अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए, अपने आप को बर्बादी से बचाने के लिए, अपने आप को लूटने से बचाने के लिए आपको दिव्य बीसमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दिव्य बीसमुखी रुद्राक्ष में ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का समावेश है। इसलिए आप अपनी सफलता को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए, सफलता को एक नई ऊंचाई देने के लिए आपको दिव्य बीसमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों से बचने के लिए और कुंडली में क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति पाने के लिए धारण करें बीसमुखी दिव्य रुद्राक्ष। बीसमुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। आपके बड़े उद्योग धंधे का कोई इकलौता वारिस, ध्यान दीजिए कि आपके बड़े उद्योग धंधे का कोई इकलौता वारिस हो, आपका पुत्र हो, आपकी बहू हो, आपकी पुत्री हो, चाहे आपका दामाद हो, और वह किसी के बहकावे में आकर गलत राह पकड़ लिया हो, गलत रास्ते पर चल पड़ा हो, वह आपके बड़े औद्योगिक साम्राज्य की तरफ न देखकर किसी और के इशारों पर चल रहा हो, तो आप पर क्या बीतती होगी आप ये सोचिए। आपके समझाने पर आप पर क्रोधित हो जाता हो और ऊपर से उसे ये गलत फहमी है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, आप गलत हैं। ऐसे समय में आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे अपने रास्ते पर वापस लाने की ज़रूरत है, ताकि आपके बढ़े हुए औद्योगिक साम्राज्य को संभाल सके और आपकी इच्छाओं की वो पूर्ति कर सके। ऐसे में उसे सही दिशा दिलाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने औद्योगिक साम्राज्य की रक्षा करने के लिए और आपको मनवांछित फल मिलने के लिए दिव्य बीसमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जब आपको अपनी जिंदगी में होने वाली परेशानियों के कारण का कुछ पता ही नहीं चल रहा हो, तलवार आपके ऊपर चल रही हो लेकिन तलवार चलाने वाला कौन है इसका कुछ भी अता पता न चल रहा हो, और आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से त्रस्त हो गए हो, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने जब आप जा रहे हो तो उसका हल मिलने के बजाय समस्या और विकराल रूप पकड़ती जा रही है। ऐसे में जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं क्या करूं, जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए उस उम्र में आकर आप पहले से ज्यादा मेहनत करते जा रहे हैं, ये क्या है, आखिर ये वक्त कैसा चल रहा है आपके साथ? ऐसे समय में इन सभी समस्याओं से निदान पाने के लिए आपको दिव्य बीसमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपकी अपनी असफलताओं का दौर शुरू हो चुका है, ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए ही है। आपकी असफलताओं का दौर शुरू हो चुका है, मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, रातों की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन खत्म हो गया है, आपको अपना बनाया हुआ सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है, आज डूब जाएगा कल डूब जाएगा इस तरह का भय समाया हुआ है, सब कुछ हाथों से खिसकता नजर आ रहा है, आपकी कल्पना शक्ति खत्म हो चुकी है, आपकी
कल्पना शक्ति खत्म हो चुकी है, दिमाग चेतना शून्य हो गया है। आप स्त्री हैं तो आपको अपने पति की बात अच्छी नहीं लग रही है, और आप पुरुष हैं तो आपको अपनी स्त्री की बात, अपनी पत्नी की बात अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे में सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। अचानक कोई ऐसी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है जिसका फैसला लेने से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि मौत हो जाती तो अच्छा था। इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, हाँ इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए, सही समय पर सही फैसला लेने के लिए आपको दिव्य 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों से बचने के लिए और कुंडली में क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति पाने के लिए धारण करें 20 मुखी दिव्य रुद्राक्ष। 20 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। जन्म कुंडली में राजयोग होने के बावजूद भी जिंदगी का संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजयोग दिख तो रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में हमारे पास अकूत धन दौलत का भंडार हो जाएगा, लेकिन ये बात सिर्फ लग रही है, दिखाई दे रही है। जैसे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं उस तरह की आवाज आ रही है, उस तरह की मानसिकता बनती चली जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? राजयोग आपकी जिंदगी में दिखाई तो दे रहा है लेकिन घटित नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी रहस्यमय ताकत है जो आपकी जिंदगी को तबाह किए जा रही है? इन सभी गुत्थियों को सुलझाने के लिए, इन सभी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आपको 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिस राजयोग के हकदार हैं परमात्मा की कृपा से आपको मिलेगा ही मिलेगा। मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और तनाव। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और तनाव होने से व्यक्ति न तो किसी कार्य को ठीक ढंग से कर पाता है और ना ही कुछ सोच पाता है, और न ही उसका शरीर पर नियंत्रण रह जाता है। और जब यह समस्या काफ़ी दिनों तक बनी रहती है तो व्यक्ति को पक्षाघात या पैरालिसिस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इन बीमारियों के लिए आप जो दवा कर रहे हैं उसका ठीक ठीक असर आपके शरीर पर हो, परमात्मा आपके शरीर को निरोगी बनाए, इसलिए आपको दिव्य 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सोनी जी, दिव्य 20 मुखी रुद्राक्ष किस किस को धारण करना चाहिए? 20 मुखी रुद्राक्ष पर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की शक्ति बरसती रहती है, इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, समस्याओं का हल तो ढूंढ रहा है लेकिन समस्याओं का हल मिलने के बजाय समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में व्यक्ति को 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों से बचने के लिए और कुंडली में क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभावों से तत्काल मुक्ति पाने के लिए धारण करें 20 मुखी दिव्य रुद्राक्ष। 20 मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है।